हर सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, एक पत्नी का हाथ होता है, तो आप किस तरीके से? हमारी पीछे सफलता के पीछे हमारी माँ का हाथ था। कूट कूट कर उनने ज्ञान भरा, वो ज्ञान काम आया और हम आगे बढ़े, तो उस माँ का हाथ था। अब शादी हो गई है, अब देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं पत्नी के हाथ से। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल, और आज आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आज हम ही नहीं बल्कि पूरा देश उनसे परिचित है। ग्वालियर चंबल अंचल में युवाओं के प्रेरणा स्रोत और पुलिस विभाग में DSP संतोष पटेल जी लगा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत हिमाचल का सर। थैंक यू। सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से अधिकांश आपको राह चलते लोगों को आप मोटिवेट करते हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो, जब स्कूल जाता है तो उसके पास पढ़ने के लिए बैग नहीं होता है, किताबें नहीं होती हैं, तो उनको भी आप मोटिवेट करते हैं? बिल्कुल सही है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि शिक्षा एक ऐसी पावन ज्योति है, आप जहाँ जलाओगे तो वहाँ का वहाँ उजाला होगा, आसपास उजाला होगा, और ये उजाला आने वाली 7 पीढ़ियों तक दिखता है। तो मैं इसलिए मोटिवेट करता हूँ, मैं अपना भी उदाहरण देता हूँ, कई बार मैंने सुनाया भी, आज फिर वही सुना रहा हूँ कि जंगल में गाय भैंस बकरी चरा रहे होते, इन गालों में तंबाकू गुटखा दबा रहे होते, अगर इन किताबों को पढ़ा नहीं होता तो हम भी कहीं गायती फावड़ा चला रहे होते। तो वो चीज़ें होती हैं कि अगर इन किताबों की मेहरबानी नहीं होती, हम इनसे नहीं जुड़ते, शिक्षा के प्रति नहीं जाते, तो हम एकाए को आपके सामने बोल रहे होते, आपकी जन अदालत को, ये पता नहीं किससे बात कर रहे होते आप। तो कहीं ना कहीं हम तो शिक्षा की बदौलत यहाँ पर आए, इसलिए हम लोगों को बोलते हैं कि आप बहुत से गरीब घर में पैदा हुए, इसमें आपकी गलती नहीं, ईश्वर ने जन्म दिया। आप छोटी जाति में पैदा हुए, आपको लग रहा है कि आप अपेक्षित वर्ग में पैदा हुए, जहाँ सुविधाएं नहीं, जंगल में पैदा हुए, इसमें आपका कोई हाथ नहीं, ना आपकी कोई गलती, ईश्वर ने जन्म दिया। लेकिन आपको मौका दे रहा है ईश्वर, संविधान, समाज, स्कूल खुले हैं, शिक्षा लो, आप कहीं से कहीं भी पहुँच सकते हो। जो शिक्षित नहीं है तो देखो, ना तो किताब पढ़ सकता, ना अखबार पढ़ सकता, इस दुनिया में क्या हो रहा है उसे मतलब ही नहीं, जो मैं बताऊँगा वही सुनेगा। अब बताने में तो आदमी कान भर देता, फ्री के कहीं का कहीं भटका देगा, लेकिन जब हमें ज्ञान होगा, हम शिक्षित होंगे, तो हम किताब पढ़ेंगे और फिर निर्णय भी लेंगे कि यार यार ये सही है, ये तो ऐसा बता रहा था, ये तो गलत गुमराह कर रहा था। क्योंकि कहाँ वही है ना, वो रामायण में है ना, वो मंथरा जैसे कान भर दिए, अब वही चीज़ लिखा पढ़ी वाली होती, तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, और मेरा जितना संभव होता है मैं प्रयास करता हूँ कि मेरी अदालत अगर कोई स्कूल जाए, शिक्षा से जुड़ जाए, तो उसका प्रभाव भी दिखेगा और परिवर्तन भी होगा। जब आपके कंधों पर स्टार आए वर्दी आपकी माँ ने देखी, तो कैसा महसूस किया उस समय, क्या कुछ? माँ जब बच्चे की मालिश करती है ना, बचपन में तेल लगाती है, बच्चा रोता है तो उसे फुसलाती है, नहलाती है, बच्चे तो गंदगी पहले ही करते हैं, उन्हें पसंद भी रहती है, तो माँ उसको साफ करती है, तब उसके दिमाग में यही अरमान होता है कि यही बेटा मेरा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा। पिता जब अपनी खुशियाँ त्यागता है, अपनी खुशी को छोड़कर बच्चे के लिए कुछ लाता है, क्योंकि देखो इंसान इंसान है, उसको सामने अच्छे कार कपड़े दिख रहे, अच्छी गाड़ी दिख रही, तो लगता है मैं ले लूँ, लेकिन वो रुपयों का वो ना लेकर बच्चे के लिए कुछ लाता है, खिलौने लाता है, पढ़ाई लिखाई की सामग्री लाता है, तो उसके अरमान होते हैं मन में कि मेरा बेटा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा। तो वही सभी का रहता है। हम जब नौकरी लगी, हमारे मम्मी पापा तो चाहते थे पुलिस वाला बन जाए, एक छोटी नौकरी लगाए तो वो बहुत खुश हो जाए, सीना चौड़ा हो जाए, अब DSP बने तो उनकी अपार खुशी होती है, तो बहुत खुश थे और हैं, आज भी खुश रहते हैं, तो वो बहुत खुशी थी। उस समय मेरी माँ के कुछ भाव थे जो मैंने 2 लाइन में कई जगह सुनाया, आप भी कह रहे हो तो बता देता हूँ कि ऐ गरीबी देख तेरा गुरु टूट गया, तेरा मुंह काला हो गया, ऐ गरीबी देख तेरा गुरु टूट गया, तेरा मुंह काला हो गया, तू मेरी दहलीज पर बैठी रही और मेरा बेटा पुलिस वाला हो गया। तो ये माँ की खुशी थी और हमेशा आज भी खुश रहती हैं वो, अच्छा लगता है कि हम हमारे पर जो प्रयास थे हमारे सफल हुए। तो सभी के प्रयास सफल होते हैं अगर सही मन से किए जाएं। आपको मोटिवेट कौन करता है, किसको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं आप? मैं तो यार देखो, प्रेरणा स्रोत वही बोलूँ, जब अनपढ़ थे तो कोई पता ही नहीं था क्या प्रेरणाएं होती हैं, कहाँ से लेना है। तो हमारे यहाँ तो एक डाक किए थे हमारे चाचा जी, तो वो डाक लेने जाते थे तो उन्हीं को प्रेरणा देते थे, अरे यार ये देखो डाक लेने जा रहे, हम जा रहे जंगल पे कुल्हाड़ी लेके, तो मतलब उद्देश्य दोनों का क्या था, पैसा ही कमाना। उनको वेतन मिलती थी 3 घंटे काम करना बस, हम 30 घंटे कर रहे तो भी नहीं को वेतन मिले, बाद में जो मिलना फ़ायदा वो अलग बात है। तो वहाँ से प्रेरणा लेकर पढ़ना शुरू किया,
अब पढ़ते रहे। अब तो मैं फिर जब पढ़ने लगा तो मेरे को स्वामी विवेकानंद जी को मैंने पढ़ा, उनका मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा और मैं वो आदर्श व्यक्ति हैं, वो उनको युग पुरुष हैं जिनको पढ़कर बहुत मोटिवेट रहता हूँ। फिर और पढ़े, संविधान पढ़ा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो उनको भी जब मैं उनके विचार पढ़ा, उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी, तो मैंने देखा कि अगर वो व्यक्ति उस समय, मैं तो उस समय की बात कर रहा हूँ जब अंग्रेज़ों का कानून था, अंग्रेज़ों का राज था और जहाँ कोई किसी का सुनता नहीं था, कोई मीडिया के साधन नहीं थे। आज आप अच्छी चीज़ें, कोई अन्याय कर रहा तो एक मिनट में वायरल करके उसको नेशनल लेवल पे पहुंचा सकते हो। उस समय पर वो वहाँ से वहाँ पहुँचे, संविधान लिखा, तो हम क्या कर पा रहे हैं? हम तो कुछ नहीं किए, तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बस प्रेरणा लेते रहे और लेते जा रहे, अभी प्रयास करते रहे, करते रहेंगे, कुछ अच्छा होता रहेगा जीवन में, बढ़ते जाएंगे। आज बहुत से हॉस्टल में विद्यार्थी आपका इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, वो भी DSP संतोष पटेल की तरह अपने कंधों पर स्टार देखना चाहते हैं, तो उनको किस तरीके से टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सके? मुझे तो नहीं पता कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, लेकिन जो भी हैं अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई तुम घर छोड़ कर आते हो, गाँव छोड़ कर आते हो, शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाते हो, तो बहुत बड़े अरमान होते हैं माँ बाप के। मुझे लगता है कि पूरा जीवन सब माँ बाप अपने बच्चों पर ही लगा देते हैं, क्योंकि वही उनका इतिहास होता है, वही उनका नाम होता है, सब कुछ होता है। तो आप मेहनत करते रहो, जिस उद्देश्य के लिए आओ उसमें लगे रहो, क्योंकि आजकल बड़े शहर में आकर या बाहर जाकर आदमी डाइवर्ट हो जाता है। आकर्षित करने की इतनी सारी वस्तुएं हैं, इतनी सारी सामग्री, इतनी सारी चमक दमक है कि व्यक्ति गुमराह हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचें और अपना जो देश है ध्यान है किताबों में, पढ़ाई पर लगा के रखें। और किताबें कहते हैं ना सपनों को सजाती हैं, तो किताबों से जुड़कर रहेंगे तो किताबें ज़रूर सपने सजाएंगी और आपका जो सपना है, अरमान है, वो पूरा होगा। DSP संतोष पटेल का क्या सपना है, क्या लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य तो जीवन में है कि मेरे से जो मिले वो खुश होकर जाए, संतुष्ट हो, बस मैं प्रयास यही करता हूँ और लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करता हूँ। हर सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, एक पत्नी का हाथ होता है, तो आप किस तरीके से देखते हैं? पत्नी का तो तुम पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर हर एक महिला का हाथ होता है, ये मैं कह सकता हूँ। हमारी पीछे सफलता के पीछे हमारी माँ का हाथ था। और जो आपने ये कोट बोला इस पर मेरे को एक याद आ रहा, महिला को इंग्लिश में बोलते हैं वूमन, WOMEN। अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत से लोग जो नेगेटिव माइंड सेट के हैं भारत देश में, बहुत से हैं, वो कहते हैं वूमन का मतलब होता है वीकनेस ऑफ मैन, कि महिला आदमी का कमज़ोर पक्ष है। सुना होगा कई लोग बोलते हैं ना, वो जैसे महाभारत की बात है तो बोले कि महिला के कारण महाभारत हुई, सुना कि नहीं सुना? तो कहीं ना कहीं वो ऐसा लोग बोलते हैं, बोले महिला आदमी कमज़ोर पक्ष है। गाँव में ऐसे बोला, अरे यार ये बैठी है, नहीं तो मैं तो बहुत कुछ कर लेता, इसके चक्कर में कुछ नहीं कर पाता। तो ये गलत मानसिकता है। मैं मानता हूँ, और मैं बाबा स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ाऊँ कि वुमन का मतलब वीकनेस ऑफ मैन नहीं, बल्कि विंग ऑफ मैन होता है, मतलब आदमी के पंख है महिला। आपको जितनी ऊँची उड़ान भरनी है, जितनी ऊँची उड़ान पाओगे तो किसी न किसी महिला का आपके पीछे हाथ होगा। तो मेरी भी माँ का हाथ था, जब नहीं पढ़ते थे तो डंडा उठा के अच्छा पीठ में देती थी, और कई बार तो जैसे पढ़े नहीं, दिन भर खेलते रहें तो लौट के शाम को आए तो नींबू के पेड़ से बांध दें, फिर हमारी दादी आके छुड़ा के ले जाती थी। तो वो जो कूट कूट कर उनने ज्ञान भरा, वो ज्ञान काम आया और हम आगे बढ़े। तो उस माँ का हाथ था, अब शादी हो गई है, अब देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं पत्नी के हाथ से। तो इस समय DSP संतोष पटेल सर आपके जनादरा न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ बने हुए थे। हमने वो तमाम सवाल पूछे जिन्हें आप जानना चाहते थे। अगली बार फिर आप इंटरव्यू में हाजिर होंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए। और ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, इस इंटरव्यू को आप कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ।